अल्लाह ताला आपको क्यों सजा देंगे? क्या किया है आपने? मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, अपने मफाद की खातिर तुम्हारी शादी एक शादीशुदा से कर ली। एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप से कर ली। एक अच्छी खबर मिली तो है मुझे इसको। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बाद में देना जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। कैसी लग रही हूं? खूबसूरत। वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वरना मेरे बगैर तुम काफी इनकम्प्लीट हुआ करती थी। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। थैंक यू सो मच मैडम, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आज रात हम कहीं ऑलरेडी इनवाइटेड हैं डिनर पे। अच्छा, नो प्रॉब्लम। डिनर पे जाने से पहले मेरे पास से होते जाना, ओके? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू मैडम। और बताओ क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं, घर पे ही थी। लेकिन घर पे तो मैंने कॉल की थी, मुझे पता चला कि तुम कहीं बाहर गई हो, पर जब मैंने तुम्हारे नंबर पे कॉल की तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे, ग्रोसरीज करने गई थी, ग्रोसरीज करके वापस आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें फोन करने का सोच ही रहा था मैं। तो फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाह रहा था कि तुम खुद मुझे फोन करो। आप भी तो कर सकते थे मुझे फोन। पता है फरियाद, मर्द को अच्छा लगता है कि औरत उसकी खबर गिरी करे, पूछे उसको, ख्याल रखे उसका, और खास तौर पर जब बीवी करती है शौहर के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर तो कोई भी औरत आपकी परवाह करे, आपका ख्याल रखे, वो आपको अच्छी लगने लगेगी। हाँ अच्छी तो लगेगी, लेकिन तुम जितनी नहीं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुमसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। और क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस आप वही काम, तुम्हारे बगैर और कर भी कर सकता हूँ। कोई मिलने आया था? नहीं, कोई ऐसा नहीं जो कि बताने के लायक हो। फिर तुम बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस एक तो काम है वो निपटा लूं फिर। आ जाओ जल्दी, तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो रहा हूं मैं। जी, अल्लाह। खुदा हाफिज़। इतना बड़ा घर तो मैंने सिर्फ ड्रामा में ही देखा है। चुप हो जाओ, मैडम के सामने ज्यादा बड़बड़ मत करना। तुम तो अपनी मैडम से ऐसे डरते हो जैसे वो तुम्हारी टीचर हो। और वैसे भी जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए ना तो इतना ही बड़ा घर लेना। चुप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे मैडम, वो बॉस नजर नहीं आ रहे हैं। काम से बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी अच्छा,
आप लोग सुनाएं, घर में सब ठीक ठाक है? भाई, अम्मी, सब लोग? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। भाई अभी आया है ना, तो भाई की जॉब का थोड़ा सा मसला चल रहा है। अम्मी बहुत परेशान है भाई को लेके। अगर आप कुछ हेल्प कर सके उसकी जॉब के लिए तो क्या? अरे मैडम, ये तो ऐसे ही बस बातें करती रहती है। I'm so sorry. No, it's okay. It's absolutely fine. Mrs. Shafiq, आप ऐसा करें, अपने भाई को CV देके कल मेरे ऑफिस भेज दें। अगर ऑफिस में कोई जॉब वैकेंसी हुई तो मैं उसे जरूर सेटल इन कर लूंगी। मेरा भाई तो खुशी से पागल हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। क्या जरूरत है अपने भाई की? भाई भाई मना किया था। आप लोग कुछ लें ना। जी बिस्किट को थोड़ी देर तक, थोड़ा मुंह तो बंद रहे। कितना अच्छा हो गया ना, आज मैडम से मुलाकात हो गई। खाक मजा है। तुम्हें क्या जरूरत थी जुनेद की नौकरी की बात करने की मैडम से? अरे तो अम्मी इतनी परेशान है। ये बड़े लोग होते हैं ना, किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। खैर, कल जुनेद जा रहा है ना अपनी सीवी लेके, पता चल जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं। फिर भी तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर आपको मसला क्या है? मैं और मेरा साला एक दफ्तर में काम करेंगे। तुम्हारा दिमाग भी खराब है और मैडम सानिया का भी। अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शामक कैसे? शामक बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि ये सानिया का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं बाबा। कोई चक्कर नहीं? अगर कोई चक्कर नहीं है तो वो घर पे क्या करने आई थी? कुछ नहीं करने आई थी बाबा, तो जानते उसका दिमाग खराब है बस। दिमाग तो उसका पहले से खराब है, अब वो तुम्हारा घर खराब करना चाहती है। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं सब जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। फौरन जाओ और फरियाल को लेकर आओ, समझे तुम? जी, खुदा हाफिज। जमीला, जमीला, जी साहब जी। बाबा वो घर की बातें आप बताती हैं। सॉरी साहब जी, माफ कर दीजिए, आइंदे ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद अगर उनका फोन आया और आपने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं भूल जाऊंगा कि फरियाल के आने से पहले आपने शामों का कितना ख्याल रखा था। सॉरी दानियल साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज ख्याल रखें। क्या फरियाल को भी आपने सब कुछ बताया? जी जी हाँ, उनका फोन आया था और वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, जाएं। कैसे हो बेटा, कब आए? कल ही तो आया है। कितनी छुट्टियां लेकर आए हो? अरे छुट्टी वुट्टी क्या, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था मेरा।
इसलिए इसको मैंने कहा कि सब छोड़ छाड़ कर तुम वापिस आ जाओ। चलो अच्छा किया, अपना मुल्क फिर अपना मुल्क होता है। जी अरसलान भाई कहाँ है, मैं उनसे मिल लूं? हाँ अपने कमरे में है, जाओ जाकर वहां उससे मिल लो। आप तो बहुत खुश होंगी ना? ये आ गया है ना तो दिल को जैसे सुकून मिल गया, बिल्कुल दिल नहीं लगता था मेरा। औलाद चीज ही ऐसी होती है, जब तक उसे देख ना लो चैन ही नहीं आता। सही कह रही, इसके बगैर घर इतना सोना सोना हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब ये आ गया है तो मेरे बस दिल को सुकून मिल गया है। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आमीन। जाओ नैमा चाय का इंतजाम करो। जी जी मैं चाय भी बनाती हूँ, कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। कैसी है फरी? मेरा नाम फरिया, तो बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। इतना गैर होगी मैं तुम्हारे लिए? आप नहीं, मैं गैर हो चुकी हूँ। खैर बताइए आपकी नौकरी कैसी चल रही है? छोड़ दी है नौकरी। क्यों? इनकी नौकरी के काबिल नहीं था, निकाल दिए मुझे। आप बताएं आपके हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। अरसलान भाई के एक्सीडेंट का पता चला, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ सब उन्हीं की वजह से परेशान है। परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दानियाल आप? हाँ मैं तुम्हें लेने आता हूँ, चलें। ये जुनेद है, मेरे कजिन। हाँ मैं जानता हूँ। कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ। चलें। हाँ मैं बस 5 मिनट भाई से मिलूं। नईम साहब बस अब आप मेरी बात सुनो, मुझे कंपनी के 3 साल के एरियर्स चाहिए अकाउंटिंग के। आप बैंक स्टेटमेंट फौरन मेरे ऑफिस पहुंचाएं। आई नीड टू सी देम टुडे। क्या बात है, परेशान लग रही है? मैंने कंपनी के अकाउंट्स चेक किए और मुझे सीरियस डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही। ये कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है ऑफिस में कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा तुम एक काम करो, ये सारे पेपर्स मेरे रूम में पहुंचा दो, मैं इनको अच्छी तरह स्टडी करूं। डोंट वरी शावेज, मैंने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो मुझे नुकसान पहुंचे। देखो नुकसान किसी भी किस्म का काबिले बर्दाश्त हो, लेकिन ये इंसान भी बड़ी अजीब चीज है, वार करने से बाजी नहीं आता। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगा। अरसलान भाई किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो मुझे लाजिम बताइएगा, मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई समझा। अरे नहीं जुनैद, तुम खुद छुट्टी पे आए हो, मैं तुम्हें काम पे लगा दूं?
तो क्या हुआ भाई, जुनैद खैर थोड़ी है? फरीब, मतलब फरियाल बहुत अकलमंद हो गई है। चलें फरियाल, देर हो रही है। मैं बस 5 मिनट में अम्मी से मिलकर आती हूँ। और सुनाओ दानियाल, कैसा रहा ट्रिप आपका? काफी अच्छा था। वहां हमारे कुछ दोस्त मिल गए थे, उनके साथ हमें वक्त गुजारा, बहुत अच्छा लगा। फरियाल भी काफी खुश थी। एक्सक्यूज मैडम, कुछ पेपर्स साइन करवाने थे आपसे। मैडम यहाँ पे, यहाँ पे। वो मैडम नेक्स्ट पेज पे भी। जी इधर इधर। अच्छा सुनो, तुम्हारी मिसेज ने बोला था कि उनका भाई नौकरी ढूंढ रहा है, उसे जॉब मिल गई होगी, वो आया नहीं। मैडम मैं उससे बात करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि फिलहाल उसे जॉब नहीं मिली है। अच्छा देखो, तुम एक अच्छे और मेहनती इंसान हो, मुझे तुम्हारी तरह का ही कोई बंदा एम्प्लॉय करना है कंपनी के लिए, लेकिन मैं रेफरेंस के बगैर किसी को हायर नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ सीरियस है जॉब में, तो उसे बोलो फौरन आके मुझे मिले, वरना मैं नौकरी किसी और को दे दूंगा। वेल मैडम, मैं उससे आज ही बात करता हूँ फोन पे, फिर आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं बस अब निकलती हूँ। जल्दी भी क्या है बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे राव्या, कोई खुशखबरी नहीं है? खुशखबरी? अरे पागल, नानी वानी बनने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? खैर से फरियाल की शादी को इतने महीने हो गए हैं, क्यों फरियाल? अरे क्या है खाला जान, अभी तो हमारी फरियाल के खेलने के दिन है। अरे बेटा, ये सिलसिले जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा होता है, क्यों फरियाल? सही कह रही हूँ ना? जी बेटा, बच्चे मर्दों के पैरों की जंजीर होते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो मर्द इधर उधर नहीं भटकते। और वैसे भी तुम्हारा शौहर कुछ शक्ल भी है और दौलतमंद भी। खैर से मेरी साजदा का दूसरा महीना चल रहा है। अरे सब के दरमियान अगर उसके दिमाग से दानियाल का भूत उतर गया तो? कुछ नहीं होगा, डोंट वर, नहीं उतरेगा। I don't understand. सानिया, जुनैद का बात? जुनैद को आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे घर आज वो पहली दफा आया था। आप इतनी देर से खामोश जुनैद की वजह से थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
देख लीजिए, मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि सानिया मेरे घर में अब तक क्यों आती है। क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे उसके बीच में अब कुछ नहीं रहा। तो दानियाल, मेरे और जुनेद के बीच में भी अब कुछ नहीं है क्या? आपको अब तक इस बात पर शक है? तुम उससे मोहब्बत करती थी ना, उसकी खातिर मेरे ऑफिस भी आ गई थी रिश्ते से इनकार करने के लिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और जहां तक रही बात रिश्ते को मना करने की, तो उस वक्त मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब है। और हर औरत को सानिया जैसी औरत से परखना बंद करें। क्या बात है अम्मी, क्या सोच रही हैं? फिरदौस की बात ने तो मुझे हिला के रख दिया। कौन सी बात ने? वही फरियाल की खुशखबरी वाली बात, देखा नहीं था तुमने? इसे अकड़ कर कह रही थी कि साजिदा को तो दूसरा महीना लग गया है और फरियाल की तो कोई खबर ही नहीं है। मैं तो डर सी गई हूँ। क्या हो गया अम्मी? तो सब अल्लाह के काम है, इन सब में देर सवेर तो हो ही जाती है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दानियाल की तरफ से डर लगा रहता है। उसका पहले से बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे बच्चे की ख्वाहिश ही ना करे। आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह करे अच्छा ही हो सब, और फरियाल की तरफ से हमें जल्द खुशखबरी सुनने को मिले। इंशाल्लाह। अच्छा, परेशान नहीं हुआ करें। आपकी चाय। नाइमा, जुनैद और खाला जान चले गए क्या? हाँ, उन्हें गए हुए तो काफी देर हो गई। आज उन दोनों को देखकर मुझे फिर इत्मीनान हुआ कि मैंने जो फैसला किया है वो ठीक किया है। बेचारा जुनैद को देखो, बेरोजगार है, परेशान था बेचारा। सही कह रहे, वाकई बहुत बुरा हुआ। मैं सोच रहा हूँ ना कि दानियाल से जुनैद की नौकरी की बात करूं। और सलाल, ऐसा मत कीजिएगा, वो इस घर का दामाद है, उससे पहले इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जुनैद को देख के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। पढ़ा लिखा है, दुकान के मामलात उसके सपुर्द करना अच्छा नहीं लगता। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आखिर आप भी तो पढ़े लिखे होने के बावजूद दुकान संभाल रहे। मेरी बात और है ना, दुकान मुझे विरसे में मिली थी, अब्बा जान मेरे सपुर्द करके चले गए। सुनो, वो दुकान से हफीज आया था? हाँ वो आया था, आप सो रहे थे तो मैंने कहा बाद में आ जाना। पता नहीं कहाँ बिजी रहता है आजकल, फोन ही नहीं उठाता, सेल ऑफ रहता है उसका। इस बार आया तो मैं सो भी रहा हूँ, तो मुझे उठाकर मिलवा देना प्लीज। ठीक है।
अच्छा आप आराम करें। सानिया पे तो उसके एक्स हस्बैंड का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तुम देखना जल्द ही सानिया कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद तुम उसे छोड़ने का फैसला ले ही लोगे। सानिया को छोड़ने का फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन मैंने उसे अपनाया था। मैंने उसे अपनाया भी अपनी मर्जी से और उसे छोड़ूंगा भी अपनी मर्जी से। तो फिर बाकी क्या रह गया? अभी तो मेरे नाम सिर्फ एक फार्म हाउस हुआ, अभी तो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी बाकी है। ये सारा गेम मैंने इसलिए नहीं चलाया कि एक फार्म हाउस अपने नाम करा के इतनी आसानी से उसे छोड़ दूं। ये तो पूरी प्रॉपर्टी बाकी है, इसलिए जस्ट रिलैक्स। बस कर दो शावेज, मैं सानिया की झूठी दोस्ती का दम भरते भरते तंग आ गई हूँ। तुम्हारी मुझसे दूरी और तुम्हारा सानिया के साथ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखो वो कोई आम औरतों की तरह जाहिल औरत नहीं है, बहुत चालाक औरत है। इसलिए मैं जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। So just relax. और इस सब के दरमियान अगर उसके दिमाग से दानियाल का भूत उतर गया तो? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, नहीं उतरेगा। I don't understand. Sanya! What? I'm sorry, Manal. Manal! यार क्या confusion है, पागल ही हो गया। Manal, baby! जुनेद चाय ले लो। अरे अम्मी जान आप तबाह कह देती। वो दोनों किचन समेट रही थी, मैंने सोचा तुम्हें तलब हो रही होगी इसलिए खुद ही बना कर लिया। थैंक यू अम्मी जान। जुनेद बेटा तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, ऐसे कब तक चलेगा? आप फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब शायद फरियाल की बद्दुआ है, अगर मैं उस वक्त लालच में ना आती और उसे बहू बना लेती तो शायद आज ये सब ना होता। अम्मी ये क्या किस्सा लेकर बैठ गई हैं आप? बस बेटा आज इतने अरसे बाद फरियाल को देखा तो दिल पर एक बोझ सा आ गया। अब इन बातों का क्या फायदा? हाँ अब तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फरियाल की जोड़ी जश्ती तुम्हारी साथ थी। उसके मियाँ को देखा था कितना मगरूर और रूखा रूखा सा था। अमीर भी तो है। हाँ लेकिन न जाने कैसा सुलूक करता होगा, देखा था ना कितना संजीदा और खामोश बैठा था। और फरियाल वो तो हमारी साजिदा की तरह हर वक्त चहकती रहती थी। अच्छा तुम चाय पियो, मैं जरा बच्चियों को देखती हूँ।
मेरे साथ बैठ के चाय नहीं पियोगे? नहीं। ये भी नहीं पूछोगी कि सानिया क्यों आई थी घर? बताइए। बैठो। सानिया इस घर में मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें तलाश करने आई थी। जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि इस घर में सिर्फ तुम ही बसती हो, तो मायूस होकर वापस चली गई वो। नाराजगी खत्म अब? नहीं, बल्कि गुस्सा मुझे इस बात पर है कि आपने मुझे सानिया से क्यों मिलाया। क्या करूं फरियाद, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। सानिया के दिए हुए जख्म इतने गहरे हैं कि और मेरी मोहब्बत, मेरी सच्चाई, उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। अच्छा, आई एम सॉरी। आज माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। ठीक है, डन। और हाँ, एक और चीज, ड्राइवर से कह देना ये कैश करवा ले और ये पैसे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना आज। दानियाल, ये बहुत सारे पैसे हैं, मैं इतने सारे पैसों की शॉपिंग क्या करूंगी? गलती भी तो मेरी बहुत बड़ी थी ना, उसका जुर्माना भी उतना ही अदा करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ हनीमून पर। क्या हो गया तुम्हें सानिया? तो फिर से सानिया। I'm sorry. देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि लड़कियों को तो बहुत शौक होता है शॉपिंग करने का, they are crazy about it, और तुम होती हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं है, ये रख लें आप वापस। कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, तुमने आज शॉपिंग करनी है बस। मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता नहीं करूंगा, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तैयार भी होना है मुझे। हेलो। जी हेलो भाभी। अरे फरियाल, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, पर तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। क्यों, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत ही है, बस मैं ही चाह रही थी कि तुम शांजी से बात कर लो। क्यों, उसने दुकान के मुलाजिम के बारे में अब्बू से बात की और सलाना मुझसे बार बार दुकान के हिसाब किताब के बारे में पूछने लगे। उन्हें मुलाजिम के फ्रॉड के बारे में पता चला ना, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुकान पे चले जाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मैं एक और चीज सोच रही थी, जुनेद आजकल फ्री है, उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, हम क्यों ना जुनेद से बात करें? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, तो घर का है, हमारे मामलात को भी समझता है, भला गैर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ठीक कह रही आप, तो फिर आप जुनेद से खुद बात कर लेंगी या फिर मैं उससे बात करूं? मेरा ख्याल है तुम समझाओगे तो ठीक रहेगा, तुम उसे सही तरीके से समझा सकोगी। और हाँ, दानियाल से इसका जिक्र मत करना। क्यों? पहले ही तुम्हारे भाई दानियाल से मदद लेने पर शर्मिंदा है, अब अगर तुमने उनसे जिक्र किया ना तो उन्हें लगेगा हम उम्मीद लगाए बैठे। समझा करो फरियाल, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ फिर जुनेद से। अल्लाह हाफिज़। भाई आपको अम्मी बुला रही हैं।
ठीक है मैं आता हूँ। हेलो हेलो जुनेद, मैं फरियाल बात कर रही हूँ। हेलो फरियाल, कैसी हो तुम? सब खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है। मुझे तुमसे एक काम था। हाँ हाँ कहो, कैसा काम? मैं तुम्हें फोन पर डिटेल में नहीं बता सकती, अगर तुम घर आ जाओ तो। हाँ हाँ एड्रेस बताओ मुझे। तुम कब आ सकोगे? मैं बेरोजगार इंसान हूँ, मुझे कौन सा काम पे जाना है? तुम बोलो तो अभी आ जाता हूँ। तुम्हारी बेरोजगारी को खत्म करने का एक रास्ता है मेरे पास, तुम बस जल्दी से आ जाओ। ठीक है अभी आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खड़े क्यों, बैठो। वालेकुम सलाम। कैसे हो? थैंक यू, घर तो बहुत खूबसूरत है। सही कह रहे हो। वैसे इतने बड़े घर में वहशत नहीं होती तुम्हें? वहशत क्यों होगी, ये मेरा घर है और घर तो इंसान की पनाहगाह होता है, इससे वहशत नहीं होती है। वैसे भी घर में इतने सारे लोग होते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, ख्याल रखते हैं मेरा। खैर जुनैद, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। तुम तो जानते ही हो कि अरसलान भाई कितने मफलूज हो गए हैं उस एक्सीडेंट के बाद, और दुकान पर जो मुलाजिम रखा था वो भी फ्रॉड करके भाग गया। अगर तुम थोड़े दिनों के लिए दुकान संभाल लो और उस वक्त तक के लिए किसी ईमानदार मुलाजिम का बंदोबस्त कर दो तो मेहरबानी होगी। सर मेहरबानी वाली क्या बात है, अरसलान भाई सिर्फ तुम्हारे ही बड़े भाई नहीं, मेरे भी कुछ लगते हैं। तुम बस अम्मी या भाई को बताना मत कि मैंने तुम्हें कहा ये सब करने को। तुम बल्कि ये कह देना कि तुम खुद उनकी मदद करना चाहते हो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसे ही कहूंगा। I'm so sorry, मैंने तुमसे चाय या कॉफी कुछ भी नहीं पूछा, क्या पियोगे? चाय। मैं बोलती हूँ। जमीला, जमीला एक चाय ले आइए। तुम बताओ घर पे सब ठीक है? हेलो। हेलो हाँ जमीला, फयाज फोन क्यों नहीं उठा रहे? जी साहब जी, उनके मेहमान आए हुए, वो उनके पास बैठी हुई है। आप कौन मेहमान? शायद कोई जुनेद साहब हैं। जी वो उनके पास बैठी हुई है। अच्छा ठीक है।